Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब? मैं जुलेखा अरफान, जुलेखा किचन से। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का करम है, आप लोग की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह मजे में हूँ। तो चलिए आज रमजान स्पेशल में क्या बना रहे हैं? चीज चिकन ब्रेड मून। अबे आप ब्रेड मून ना कह के इसे ब्रेड कटलेट भी बोल देंगे, चिकन चीज ब्रेड कटलेट तो भी कोई बात नहीं। सो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी क्विकली विदाउट टाइम वेस्ट किए, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए एक बड़े से बाउल के अंदर 3 मीडियम साइज के आलू बॉईल कर छील निकाल कर इसे रफली चॉप करके डाल दीजिए। ये है 1 कप बॉईल करी हुई चिकन। चिकन में मैंने थोड़ा सा पानी डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डाल के उसे बॉईल कर लिया। जब बॉईल हो गई चिकन, पानी ऑलमोस्ट सूख गया तो मैंने उसे ठंडा होने के बाद शेड कर लिया। इसमें डाल दीजिए बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया। मैं 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ, आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पर 2 मैंने बड़ी साइज की प्याज थी तो उसे छुंदा किया, आप 3 छोटी हो तो 3 लीजिएगा, छुंदा प्याज डालिएगा। इसमें डाल दीजिए 1 छोटा चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर, नमक 1/2 छोटा चाय का चम्मच या स्वाद अनुसार, 1 छोटा चाय का चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चाय का चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 3/4 या 1 छोटा चाय का चम्मच मिक्स्ड हर्ब या ऑरेगानो, मैं ऑरेगानो डाल रही हूँ, 1/2 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 2 टेबलस्पून भरकर टमाटर सॉस और 2 टेबलस्पून भरकर मायोनीज, इसके साथ साथ 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस। ये सारी चीज़ें डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब नमक चख लीजिए, अगर कम लगे तो नमक डाल दीजिए, स्पाइस कम लगे तो स्पाइस के लिए रेड चिली सॉस और 1/2 या 1 टेबल स्पून डाल दीजिए। अच्छा, मैंने यहाँ पर कैप्चर नहीं कर पाई, मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून मायोनीज और डाला है और आप भी डाल सकते हैं, नहीं तो इतनी भी बस है। सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। जब मिक्स हो जाए तो आप चाहें तो 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, मैनेजेबल ना हो तो, लेकिन मैं यहीं से शुरू करती हूँ। थोड़ा सा तेल से हाथों को ग्रीस कीजिए, एक अच्छा जेनरस पोर्शन लीजिए और इस तरीके से पैटी बनाकर साइड पर रखते जाइए। मीडियम साइज़ की पैटी बनाइए, बहुत बड़ी भी नहीं बहुत छोटी भी नहीं। और पैटी भी इस तरीके से बनाइएगा कि हम जो ब्रेड है ना ले रहे हैं उसके बीच में ये प्रॉपरली समा पाए, एकदम बड़ी भी ना हो जाए और एकदम छोटी भी ना हो जाए। अब मेरे यहाँ मुझे मैनेजेबल नहीं लग रही है तो मैं फ्रिज में रख रही हूँ, आप चाहें तो फिर से 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं अगर आपने मेरे साथ कंटिन्यू किया हो तो। और अगर आपने पहले भी फ्रिज में रखा है तो आप इस समय भी फ्रिज में रख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सारी बना ली है मैंने और 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया। तब तक हम दूसरी चीज़ें कर लेते हैं। ब्रेड लीजिए और इसे कटोरी या वाटी लीजिए बड़ी साइज की और इस तरीके से उसको गोल शेप कर आकार देकर इसके जो बाकी के बचे हुए ब्रेड है वो साइड पे हटा लीजिए। जो बाकी के लेफ्ट ओवर्स है वो आप किसी और चीज़ में काम में ले सकते हैं या फिर उनके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं सारे ब्रेड के इस तरीके से गोल शेप कर लेती हूँ। ये हो गई, ये साइड पर रख दीजिए। अब 1 बाउल के अंदर 1/2 कप मैदा डालिए, नमक डाल दीजिए थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से फेंट लीजिए। मतलब ऐसा टेक्सचर बनाइए कि एकदम गाढ़ा भी ना हो और एकदम पतला भी ना हो, मीडियम कंसिस्टेंसी का टेक्सचर बनाकर इसे साइड पर रख दीजिए। 1 घंटा हो चुका है तो मैं फ्रिज से चिकन को निकाल ली हूँ, पैटी को, और सबसे पहले ये जो हमने गोल आकार में ब्रेड को काटा है इसे मैं मेरे प्लेटफॉर्म पे नीचे बिछा देती हूँ। इस तरीके से मेरा प्लेटफॉर्म साफ है, आप चाहें तो उसमें भी रख सकते हैं, प्लेट पे भी कर सकते हैं इसे। और अब एक चीज स्लाइस को मैंने 4 हिस्से किए हैं और वो 1-1 हिस्से में यहाँ इस तरीके से सबसे पहले बेस पे रखते जा रही हूँ, उसके बाद आप पैटी रखते जाइए 1-1 करके सारे हमारे ब्रेडों के ऊपर, और उसके बाद फिर से वो जो चीज़ को मैंने 1/4 जो पीस किया है इसके ऊपर फिर से 1 चीज़ का पोर्शन रख देती हूँ और इसे ढक दीजिए 1 हमारे ब्रेड से, इसी तरीके से राउंड गोल आकार करे हुए ब्रेड से। ये है ब्रेड क्रम और ये जो अभी हमने बनाकर रखा है मैदे का मिक्सचर, ये लीजिए, ये एकदम गाढ़ा भी नहीं है और एकदम पतला भी नहीं है, हाँ एकदम रनी भी नहीं है। तो 1 ब्रेड के ये लीजिए हमारे पूरे पैक को और इसे उलट पलट कीजिए मैदे के अंदर, अच्छे से डिप कीजिए और साइड से भी वेल डिप करके इसे ये ब्रेड क्रम्स के अंदर वेल कोट कीजिए चारों ओर से, आगे पीछे और साइड से बहुत अच्छे से वेल कोट हो जाए तो इसे साइड पर रख दीजिए। ये बन गया हमारा 1 मज़ेदार सा चिकन चीज़ मून, ब्रेड मून।
अच्छा अब इसी तरीके से सारे बना लीजिए, लेकिन याद रहे वेल कोट कीजिएगा मैदे के बैटर में भी और ब्रेड क्रम से भी अच्छे से कोट कीजिएगा चारों ओर से और साइड से भी। अगर मैदे का बैटर क्रम खत्म हो जाए तो दूसरा फिर से बना लीजिए सेम बैच करके। अच्छा अब आपने अभी फ्राई करना है, तो ये सारे जब बन जाते हैं मतलब मैदा और बटर क्रम्स के अंदर जब अच्छे से आप वेल कोट कर लें, तो इन्हें आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, उसके बाद फ्राई कीजिएगा। और अगर आपने फ्रीज करके स्टोर करके रखना है तो आप सबसे पहले तो ये बन जाए तो इन्हें 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दीजिए। जब अच्छे स्टिफ हो जाएंगे तो एयरटाइट कंटेनर लीजिए, उसके यहाँ नीचे सबसे पहले आप बटर पेपर रखिए, ये हमारे बिछाते जाए चिकन चीज ब्रेड मून्स को या चिकन चीज कटलेट का, ये इन्हें फिर से एक पेपर लीजिए बटर पेपर, फिर से इन्हें बिछाते जाए, फिर से बटर पेपर लगाएं और फिर से आप हमारे ये ब्रेड के कटलेट्स रखते जाए और फिर से ढक कर आप फ्रीजर में रख दें। तकरीबन 1 महीने तक रख के खा सकते हैं आप। वैसे ये मेजरमेंट में 10 बने हैं और ये वाले जो मैं अभी फ्राई करने वाली हूँ इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। अब फ्राइंग के लिए तेल गरम कीजिए फास्ट आंच पर। जब फास्ट आंच पर तेल गरम हो जाए तो मीडियम आंच कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर ये एक पैकेट डाल दीजिए हमारे चिकन मून का या चिकन कटलेट का ये उसका, और इसे मीडियम आंच पर फ्राई करें कुछ सेकंड्स के लिए, ऐसे ही रहने दें। उसके बाद पलट दें और उलट पलट करते हुए तकरीबन मीडियम आंच पर कुछ मिनटों के लिए फ्राई कर लें। तब तक फ्राई करें जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इन्हें निकाल कर नितारने के लिए छन्नी के ऊपर रख दें, टिश्यू पेपर के ऊपर मत रखिएगा नहीं तो थोड़े से नरम पड़ जाते हैं। और इसी तरीके से सारे बैचेस में फ्राई कर लें। अच्छा आप देख सकते हैं साइड से बिल्कुल भी कुछ नहीं निकला है, आप देख सकते हैं है ना, नहीं तो आप डर रहे होंगे कि अरे साइड से तो शायद खुला रह गया होगा या कुछ हो जाएगा, तो कुछ नहीं होता है। ये आप देख सकते हैं परफेक्टली पैक हो गया है, ऐसा लग रहा है ना चांद मैंने इसे नाम दिया है। अब आप जो भी कहें इसे कटलेट कहें, ये देखिए कितने क्रिस्पी हुए हैं माशाल्लाह। मैं आपको काट कर भी दिखा देती हूँ, ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या मजेदार लग रहे और अंदर से बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है। ट्रस्ट में आप खाओगे तो खाते रह जाओगे। वैसे चटनियों की रेसिपी लिंक्स मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। और जो भी स्पाइस डालो आप आपके हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा, और बच्चों के लिए भी डालें तो अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। तो है ना बढ़िया सा बन गया मेरी स्टाइल में चिकन मून। तो है ना मजेदार रेसिपी आज की, बड़ा मजा आया होगा आपको देख के भी और ऐसा लग रहा होगा कि जल्दी जल्दी बनाएं, जरूर बनाइएगा। और अगर आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने फीडबैक्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी तो ये वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और उससे ज्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक्स फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।